मेष, दिन के प्रारंभ में आप मानसिक दुविधाओं में खोए हुए रहेंगे। अन्य लोगों के साथ आप जिद्दी व्यवहार छोड़ देंगे और समाधानकारी व्यवहार अपनाएंगे। अपनी मधुर वाणी और भाषा से आप किसी को भी मना सकेंगे। नए कार्य का प्रारंभ ना करने की गणेश जी सलाह देते हैं। वृषभ, आपका आज का दिन मध्यम फलदायी रहेगा, ऐसा गणेश जी कहते हैं। दिवस के प्रारंभ में आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्फूर्ति और आनंद का अनुभव होगा। आपके सृजनात्मक तथा कलात्मक शक्तियों में वृद्धि हो सकती है। कार्य उत्साह और चौकसी से करेंगे। मिथुन, आपका आज का दिन मिश्र फलदायी रहेगा, ऐसा गणेश जी कहते हैं। आज आप चिंता से घिरे रहेंगे और शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा। परिवार में भी मतभेद रहेगा, परंतु मध्याह्न के बाद आप सभी कार्यों में अनुकूलता का अनुभव करेंगे। कर्क, आपका दिन प्रातःकाल में पारिवारिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र में लाभदायी समय है। स्त्री वर्ग से लाभ होने का भी योग है। प्रिय पात्र से भेंट होगी। मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परंतु मध्याह्न के बाद आपके मन में विविध प्रकार की चिंताएं उठेंगी। सिंह, आज का दिन आनंद पूर्वक बीतेगा, ऐसा गणेश जी कहते हैं। व्यवसाय और व्यापार करने वालों के लिए आज का दिन लाभदायी है। व्यापार में वृद्धि होगी। परिवार जन तथा मित्रों के साथ आनंद पूर्वक पलों को मनाएंगे। स्त्री वर्ग से लाभ होने की भी संभावना है। कन्या, गणेश जी कहते हैं कि नए कार्य का प्रारंभ करने के लिए समय अनुकूल है। आज आपके भीतर कुछ अधिक धार्मिकता रहेगी। कार्यालय या व्यावसायिक स्थल पर कार्यभार अधिक रहेगा। विदेश जाने के इच्छुक लोगों के लिए अवसर उपस्थित होने की संभावना है। मध्याह्न के बाद नए कार्य का आयोजन कर सकेंगे। तुला, खान पान में आज विशेष ध्यान रखने के लिए गणेश जी सूचन करते हैं। दिन के दौरान नए कार्य का प्रारंभ करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। अधिक कार्यों से शिथिलता और मानसिक व्यग्रता का अनुभव आप करेंगे। प्रवास लाभदायी नहीं है। वृश्चिक, गणेश जी की कृपा से आप आज दाम्पत्य जीवन को विशेष रूप से मना सकेंगे और उसके सुख का भी अनुभव कर सकेंगे। परिवार जनों के साथ सामाजिक समारोह में समाविष्य होंगे। छोटे से प्रवास का भी योग है। मध्याह्न के बाद आपका स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना है। धनु, आज का दिन शुभ फलदायी होगा, ऐसा गणेश जी कहते हैं। शरीर और मन से अस्वस्थ रहते हुए भी आप अपने अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कर सकेंगे। आर्थिक आयोजन भी बहुत अच्छी तरह से कर सकेंगे। कार्यालय में सहकर्मचारियों का सहयोग आपको मिलेगा। मकर, वैचारिक स्तर पर विशालता और मधुर वाणी से आप अन्य जनों को प्रभावित कर सकेंगे, ऐसा गणेश जी कहते हैं। वाणी की मधुरता आपको नए संबंध बनाने में भी काम आएगी। आर्थिक आयोजन भी आज आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। कुंभ, आज आप आपके प्रत्येक कार्य को आत्मविश्वास ठीक तरह से संपन्न कर सकेंगे, ऐसा गणेश जी कहते हैं। सरकार के साथ आर्थिक व्यवहार में भी आपको सफलता मिलेगी। पैतृक संपत्ति से लाभ होगा। फिर भी वाहन, मकान आदि के पात्रों से संबंधित कार्यवाही में सावधानी पूर्वक आगे बढ़ेगा। मीन, गणेश जी कहते हैं कि आपको चिंता के भारीपन के स्थान में हल्केपन का अनुभव होगा। आनंद और उत्साह में भी वृद्धि होगी। कौटुंबिक तथा आर्थिक विषयों पर आप अधिक ध्यान देंगे। आप किसी भी कार्य को दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे।